रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ जी, अब उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे हैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे अपनी लाइफ में। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे लार्नर्स गार्डन की। और आज तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम है, धूप भी बहुत मज़े की है। अब सर्दियाँ भी जा रही हैं और गर्मियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हाँ जी, हम ये अब जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये पार्किंग एरिया है, अंदर की तरफ जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, उसके तमाम जगह की विजिट करवाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे इन अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। हाँ जी, अंदर की तरफ हम आ गए हैं। ये देखिए फर्स्ट पे लेफ्ट साइड पे, ये देखिए इन्होंने किस तरह से खूबसूरती से ये हाथ का निशान बना के दरख्त की तरफ किया हुआ है। और आपको ये दिखाते हैं साथ साथ कि किस तरह से, कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये एरिया कितने अच्छे तरीके से इन्होंने माशाल्लाह से तैयार किया हुआ है। अंदर से तो ये बहुत खूबसूरत व्यू है जब अंदर हम एंट्रेंस में आए हैं। और ये देखें इस तरफ, ये लाइब्रेरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने बगीचा सा बनाया हुआ है और फूलों का और सब्जियों का। और ये देखें साथ इन्होंने ये बच्चों के लिए भी इंतज़ाम किया हुआ है कि जंपिंग का, रेसिंग गाड़ी है। और ये इस तरफ से भी आपको दिखाती हूँ जी गाइस। ये देखें यहाँ पे ब्राइडल शूट भी हो रहा है। और ये आपको दिखाते हैं, ये कादी आज़म लाइब्रेरी है यहाँ पे, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, यहाँ पे बच्चों के लिए जंपिंग के लिए इन्होंने ये प्ले लैंड बनाया हुआ है। उसके बाद ये देखें बच्चों के लिए ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं कि वो इसके ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं इधर, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और हम आपको फिर आगे जाके अब विज़िट करवाते हैं इस लार्नर्स गार्डन का। हाँ जी गाइस, ये देखें ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह ये बड़े अच्छी ही तरीकी इमारतें हैं। और ये देखें, हाँ जी वाह, ये देखें एक ज़बरदस्ती आपको चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखिए इन्होंने पौधों से एनिमल को बनाया हुआ है जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और बाकी सब स्टडी इधर कर रहे हैं, कोई स्टडी करने के लिए भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, इन्होंने साइकिलिंग ट्रैक बनाया हुआ है और बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने साइकिल को एक दूसरे के साथ अटैच करके जोड़ा हुआ है। और जैसे आपको दिखाते हैं, ये इन्होंने बाग को बड़े अच्छे तरीके से फूलों के साथ डेकोरेशन की हुई है सारी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये पूरा बाग बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस वक्त धूप भी बहुत तेज है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आके, इंजॉयमेंट भी हम साथ साथ कर रहे हैं। हाँ जी गाइज, आपको दिखाते हैं, ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से ये बाग को फूलों से सजाया हुआ। और यहाँ पे देखिए कौवे भी खाना खा रहे हैं और भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए गाइज कितने रंग बिरंगी और अच्छे फूल हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में तो। ये देखें, ये लार्नर्स गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। और मैं आपको इसकी खूबसूरती भी दिखा रही हूँ साथ साथ, तो इसके बारे में आपको बता भी रही हूँ। ये पाकिस्तान का बहुत मशहूर गार्डन है और लाहौर का ये गार्डन है, जहाँ पे लाहौर में मार रोड की तरफ है ये। चले गाइस आगे की तरफ चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। ये देखें परिंदे कितने प्यारे लग रहे हैं, ये भी हमारे साथ आगे आगे की तरफ जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। हेलो, हाँ
सारे लोग। हाँ जी, लानस गार्डन में ये देखिए इन्होंने अलग से एक पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पे ये सारे फुटबॉल खेल रहे हैं, मैच लड़के खेल रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से आपको ये दिखाते हैं, इस तरफ रैकेट खेल रहे हैं। रैकेट खेलने के लिए अलग से इन्होंने एक जगह बनाई हुई है। उधर आपको चल के दिखाते हैं उधर क्या आ रहा है। उधर मुझे माइक पे आवाज़ कुछ आ रही है। चलें गाइस, आपको उसका भी विज़िट करवाते हैं। हाँ जी गाइस, इधर कोई फंक्शन हो रहा है लड़कों का। इधर उन्होंने कैंप वगैरह भी, वो देखे सामने कैंप भी लगाए हुए हैं। और इधर क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ ये बता रहे हैं। और ये देखें सब क्लैपिंग कर रहे हैं। इधर उनके किसी प्लेयर ने हिट किया है, चौका लगाया इसी वजह से। ये आपको मैं दूर से भी सारा एक दफ़ा दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको क्लोज करके दिखाया है, देखें बहुत अच्छे इधर इंतजाम किए हुए हैं। आप आराम से अपनी फैमिली के साथ आके विज़िट कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। चलें गाइस, अब आगे की तरफ चलते हैं। और ये आसमान पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे कवे एक दूसरे के साथ। मेरे ख्याल में कोई मीटिंग इनकी हो रही है आपस में। और ये हम आपको इस बाग के दूसरे से की विज़िट करवा रहे हैं। ये देखें बहुत प्यारा ये मंज़र है। और ये सामने सूरज है जो हमारी आंखें बंद कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको आंखें खोल के दिखाएंगे, सारा कुछ बाग का विज़िट करवाएंगे ताकि आप इस बाग के मंज़र को एंजॉय कर सकें। हाँ जी गाइस, ये बाग का उन्होंने नक्शा बनाया गया है। इसे बागे जिना भी हैं, और बागे यहाँ पे और लाइब्रेरी ऊपर की साइड पे, जो उन्होंने बताया कि ऊपर की साइड पे लाइब्रेरी है। और बाकी इन्होंने जिस जिस हिस्से में जो जो बनाया हुआ है गाइड मैप, उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा नक्शा दिया है, और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ये, ताकि कोई रास्ता ना भटक जाए। चले गाइस, एक और गार्डन है लारनस के अंदर, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे आपको हम ये सब दिखाते हैं कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह से इंतज़ाम किया है, क्या बनाया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फवारे के लिए भी बनाया है, लेकिन अभी ये पानी नहीं है, बंद है। और ये देखिए फूल कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और इस तरफ देखिए पिंक कलर के हैं और दूसरी तरफ वाइट कलर के हैं। आपको दूर से ये सारा मंज़र मैं दिखाती हूँ। यह रात के टाइम लाइट ऑन हो जाती है। वो देखिए बैठने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इस वक्त धूप है, वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ, सब बाग में बैठे हुए हैं। और ये देखिए दूर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है इसका, माशाल्लाह से बहुत प्यारा। ये अंदर से डिज़ाइन किया हुआ है ये वाला बाग भी इन्होंने, और काफ़ी ये भरा है। इस वजह से ना आपको मैं जो जो हिस्सा नज़र आ रहा है, जिस जिस तरफ मैं विज़िट कर रही हूँ, उस तरफ आपको दिखाती जा रही हूँ साथ। ये देखिए इधर भी एक फाउंटेन के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। अभी यहाँ पे पानी नहीं है। ये देखिए दूसरी तरफ भी फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, रंग बिरंगी फूल। और ये एक बहुत ही दिलकश मंज़र है। ये देखें ये बड़ी खूबसूरती से इन्होंने हाथों का स्टाइल बना के, तो इन्होंने फूल लगाए हुए इसके अंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी तरफ भी यही है, ऐसे जैसे मुगलिया दौर की सल्तनत में हम पहुंच गए हैं, और आपको भी यहाँ पे ले आए हम। यहाँ भी फाउंटेन है। और इस तरफ भी देखें बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और दूर से आपको दिखाएं, वहाँ पे भी फ़ोटोशूट हो रहा है। देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है, और परिंदे तो मज़े से खूब इंजॉय कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं यहाँ पे आके तो वो बिल्कुल आज़ाद है, उनका तो समझ लें ये जैसा ही उनका ये घर है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे 5 फाउंटेन बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पर पानी यहाँ पर आ रहा होता, वाह क्या मज़े था, क्या ज़बरदस्त सीन होना था। गाइस आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दूसरी तरफ भी यही है।
ये देखिए गमले कितने प्यारे लग रहे हैं। पाकिस्तानी कोई फिल्म है ताजमहल, इधर शूट हुई थी, उसकी शूटिंग भी की हुई है इन्होंने इधर, क्योंकि ये जितनी खूबसूरती से इन्होंने ये बाग बनाया है पाकिस्तान में, ये कितनी खूबसूरती से ये तैयार किया गया है, उतनी ही खूबसूरती से यहाँ पे जो भी आता है अपना काम करता है। ये देखिए अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं, ये कितना खूबसूरत इन्होंने तैयार किया हुआ है। और ये जो है हमारे पाकिस्तान का विरसा है, और जो आज हमारे लिए एक सबसे यादगार ये चीज़ें हैं हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, और जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें गाइस, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, उम्मीद है आपको भी देख के अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आप भी खूब इंजॉय करोगे इस लम्हात को। ये पिंक कलर की बेलें कितनी अच्छी लग रही हैं, इतने ज़बरदस्त फूल लग रहे हैं, अमेजिंग गाइस, दिल खुश हो गया है इस बाग के रंग बिरंगी चीज़ों को देख के। और यहाँ पे भी वीडियो शूट हो रही है और हम भी वीडियो शूट कर रहे हैं। चलें इस बाग से बाइक की तरफ जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे गाइस। ये देखिए गाइस दूर से आपको जो लाइब्रेरी लानर्स गार्डन की दिखा रही हूँ, करीब जाके भी ये देखे कितने प्यारे मनाजिर हैं इस दर के, और ये दूर से बहुत खूबसूरत लग रही है इन दरख्त और पौधों के दरमियान, तो इसका बहुत अच्छा व्यू है। हाँ जी, ये एक और बगीचा इन्होंने बनाया हुआ है फूलों से, साइडों पर इन्होंने जंगले लगा के बंद किया हुआ है, और काफ़ी खुशनुमा लग रहा है देखने में। तो चले गाइस अब इसके बाकी से आपको दिखाती हूँ, पहले आपको मैंने पहला दूसरा और तीसरा हिस्सा दिखाया है, अब इसके बाकी हिस्सों को दिखाती हूँ आपको। ये देखें बहुत प्यारे मंजर लग रहे हैं, ये बहुत ही पुराने दरख्त हैं, और बड़ी खूबसूरती से ये इन्होंने देखे ना अल्लाह पाक ने बनाया है ये दरख्त को, और बैठ के सब लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। इधर भी देखिए हाँ जी गाइस, ये देखें ये एक इन्होंने पहाड़ी से बनाई हुई है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, और ये मैं आपको इधर से मंजर इसका दिखा रही हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये इसका बाहर का व्यू है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखें एक तरफ इस तरफ जाने का रास्ते हैं, दो रास्ते बने हुए हैं, और तीसरा रास्ता ये है इस तरफ जाने का, जहाँ से हम अभी वॉक करते हुए आए हैं, आपको सारा दिखाया ये वाला रास्ता, हम वापसी की तरफ आप रास्ता इख्तियार करते हैं। गाइस ये देखें एक ट्रेडिशनल स्टाइल में इन्होंने आलू चने वाली ये बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये आलू चने बेच रहा है आदमी। ये देखें इधर भी इन्होंने ये देखें पानी के लिए इंतज़ाम तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी फाउंटेन बनाए हुए हैं ये ऐसे बड़ा, ये देखें बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा है, ये सारा बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हिजाक का मौसम जा रहा है, तो इसी वजह से पत्ते जो दरख्तों पे नहीं हैं, और फिर भी दरख्तों की खूबसूरती अभी इसी तरह से बरकरार है, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ हर चीज़ खूबसूरत है। और देखिए बच्चों के लिए गाड़ी आ गई है, और ये देखें गाइस फॉरनर भी आए हुए हैं, इसकी भी आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, और वो दरख्त के पीछे चुपके हाँ जी अब सामने आ गए हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं, वो भी इस मंदिर को एंजॉय कर रहे हैं। सामने कैंटीन है, और इस तरफ से वापसी का रास्ता है, और यहाँ पे भी फॉरनर खा पी रहे हैं, और ये भी एक टॉप शॉप है। चलें गाइस
चले गाइस, अब हम उस रास्ते तक गए थे जहाँ पे हमने सारा आपको बाका विजिट कराया था, अब इस रास्ते से हम वापस आ गए हैं। और ये देखें, ये वापसी का रास्ता है। आपको हमने ये आज जो दिखाया है बाकी सैर करवाई है लानस गार्डन की, मुझे लगता है आपको भी मज़ा आया होगा हमारे साथ। और ये देखिए गाइस, बच्चे तो बहुत खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, वो फैमिली के साथ आए हैं इसलिए उनका भी जाने को दिल नहीं कर रहा। और हम आपको दिखाने के लिए आए हैं और हम भी आपके साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। हमने कहा अभी हमारे फैमिली का हिस्सा है तो क्यों ना हम आपको भी साथ साथ विजिट करवाएं इस बाग का। के बागे जिना लिखा हुआ है, ये देखिए सिटिंग एरिया भी इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे भी लोग बैठ के खा सकते हैं। और ये सारे वो देखें दूसरी साइड पे भी, ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है। गाइस ये देखिए, मैं आपको करीब से ये दिखा रही हूँ जो मैं आपको दूर से पहले व्यू दिखा रही थी, गोल मेज कॉन्फ्रेंस जैसा बनाया हुआ है सिटिंग एरिया, ये देखें। और साइडों पे गमलों के साथ बड़ी खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको जाते हुए कि व्यू दिखा रही हूँ, दरख्त माशाल्लाह से कितने अच्छे इन्होंने बनाए हुए, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये दरख्त देखे गाइस। हाँ जी गाइस, ये बाहर जाने का रास्ता है। उम्मीद है वीडियो आज की लानस गार्डन की अच्छी लगी होगी, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बांध।